प्रियंकर के कल्याण क्रिकेट टूर्नामेंट पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव पर, द फिनाले, जो बड़े धूमधाम से और बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। 177 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, जो कि अब तक का हैदराबाद कर्नाटक कल्याण कर्नाटक का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट रहा, जिसमें दो टीम फाइनल में आ चुके थे, टीम यूनिटी और रॉयल चैलेंजर्स, और रॉयल चैलेंजर्स ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। दिन की शुरुआत हुई द फिनाले, जहां पर डीसी फौजिया तरनम जी ने अपना टाइम दिया और उन्होंने टॉस किया। साथ ही साथ एसपी अदरु श्रीनिवासलो जी भी यहां पर मौजूद रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी यहां पर मौजूद रहे, और ये इवेंट बड़े प्रोफेशनल, बड़े ट्रांसपेरेंसी और बड़ी क्वालिटी के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रियंकर के बर्थडे विशेष ना ही सिर्फ गुलबर्गा बल्कि इंडिया अक्रॉस से भी आए हैं, और खास तौर पर सीएम, डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ साथ कन्नड़ा मूवी एक्टर्स ने भी उन्हें विश किया है। प्रियंकर के आईटीबीटी मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर पंचायत राज डेवलपमेंट एमएलए चितापुर ने अपने बर्थडे को धूमधाम से मनाने का उन्होंने परमिशन नहीं दिया है। सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, तो इसी को चलते हुए स्पोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए प्रियंकर के अभिमान बलगा जिन्हें एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया प्रियंकर के फॉलोअर्स का, उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया बड़े शानदार तरीके से और स्पोर्ट्स को प्रमोट करते नजर आए। इस फाइनल में खास बात यह रही कि एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा, आलम प्रभु पाटिल के साथ साथ मजर आलम खान, डॉक्टर किरण देशमुख, प्रवीण पाटिल, फारूक हुसैन मनियाल, डॉक्टर सिद्धार्थ कोरवार, अवेश शेख और कांग्रेस के सभी लीडर्स इसमें शामिल रहे और ये इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में खास तौर पर कन्नड़ा मूवी के स्टार प्रेम भी यहाँ पर मौजूद रहे, और हाल ही में इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने वाली प्यारी सी लड़की भी इसमें पार्टिसिपेशन दी है। प्रियंका के 45th बर्थडे ये है और सभी लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। Because they have put together a wonderful event. More than 100, almost 177 teams have taken part at a regional level for cricket. This also brings about a kind of team spirit among the people in the district as well as in the region. And the benefits of sports and health also are reinforced in everybody. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಗಿಲೆ ಕುಮಾರಿ, ಶಿವಾನಿ ಶಿವದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 177 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ। हम सबकी दुआ है उनके साथ आगे बढ़े करना शरीर के साथ उनकी उम्र लंबी उम्र की भी दुआ करते हैं हम लोग। और मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ पर आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखा गया जो सेव मेरे साथ की बर्थडे पर। ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸೆರಗಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಮೈ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊರಟು ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸು ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದೆ। ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ जो कि प्रियंक खरगे साहब के तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ कल्याण कर्नाटका ट्रॉफी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार टूर्नामेंट ये गुलबर्गा रीजन में पहली बार हुआ है। हम बहुत खुश हैं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हमें खेलने के लिए इतना बड़ा स्टेज मिला। और हमारे सबको जो जो भी ऑर्गेनाइज किए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। 22 नवंबर को हमारे नेता प्रियांक खरगे जी का जन्मदिन के मौके पे आज नम्मा प्रियांक खरगे कल्याण कर्नाटका क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ है। उसमें दो टीम जिसमें टीम यूनिटी और रॉयल चैलेंज फाइनल में आए थे उसमें रॉयल चैलेंज फाइनल मैच जीत चुकी है। हमारे प्रियांक खरगे अभिमानी के जो कंटिन्यूस 3 महीने से इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने की जो कोशिश कर रहे थे हम तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। आज एक ग्रैंड फाइनल यहां पर हुआ है। यहां पर हम प्रियांक खरगे के जन्मदिन के मौके पर आज फाइनल मैच खिलाकर इनको कप दिया गया। उसके साथ तमाम गुलबर्गा में जो कॉरपोरेशन में पोर काम करते हैं 500
लेडीज को और 500 जेंट्स को कपड़े दिए गए हैं, क्योंकि ये सुबह में उठकर सुबह 5 बजे से ये काम करते हैं और हमारे शहर को क्लीन रखते हैं। ये लोगों का हक बनता है, ऐसा समझकर हम इन तमाम लोगों को दिए हैं। उनके साथ डफ एंड डम जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको है ना ब्लैंकेट दिया गया है। उनके साथ जो बच्चे सुबह में पेपर डालते हैं सुबह 5 बजे उठकर, अब क्योंकि अब सर्दी के दिन हैं, उन लोगों को तमाम लोगों को स्वेटर दिया गया है। और इसी तरह अलग अलग जो क्षेत्र में लोग स्पेशलिटी रखते हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया गया। उन तमाम क्षेत्रों को लोगों, खास तौर से बीदर की एक बच्ची जो इंडियन आइडल में गई थी, वो बच्ची को बुलाकर यहाँ पर पैसों से और उनको शॉल से उनको कपड़ों से नवा हम तमाम लोग उनको इन्हें एक गिफ्ट दिए हैं। तो इन तमाम लोगों को हम आज फाइनल मैच में ये देकर, आज ग्रैंड फाइनल यहाँ पर हुआ है, तमाम गुलबर्गा के लोग यहाँ पर आए थे, तमाम हमारे क्रिकेट चाहने वाले यहाँ पर आए थे। कल रात जब प्रियांक खरगे साहब से बात हुई, प्रियांक खरगे साहब ने कहा इतना बड़ा टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हो भाई, लोगों को कुछ ऐसा करिए, बोले तो लोगों को कर रहे हैं साहब। तो उन्होंने कहा है खास तौर से तुम बोलो उनको कि हम 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है क्रिकेट ग्राउंड के लिए। ये प्रियांक खरगे साहब ने मुझसे कहा है टेलीफोन पे। उसके बाद लड़कियों के लिए एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा रहा है 15 करोड़ की लागत से, ये प्रियांक खरगे साहब ने कल रात में कहा है। तो मैं वो प्रियांक खरगे साहब की बात आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे प्रियांक खरगे साहब हमेशा नौजवानों को, गरीबों को, पिछड़ों को हमेशा उनको प्रेफरेंस देते हैं। इसी तरह हमारे नौजवानों को आज एक ग्राउंड्स जो प्रियांक खरगे साहब ने जो 30 करोड़ और लड़कियों के लिए जो 15 करोड़ दिए हैं, हम तमाम लोग जितने अभिमानी हैं और गुलबर्गा के लोग हैं, यूथ के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनकी जानिब से हम प्रियांक खरगे साहब को यहाँ से इस मंच से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम तमाम लोग जितने भी प्रियांक साहब को चाहने वाले हैं उनको आज हम दुआ करते हैं, आप जियो हजारों साल, ये हमारी दुआ है आपको। और प्रियांक खरगे साहब के लिए एक शेर कहता हूँ, अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज, अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज, तो आसमां से कह दो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। ये प्रियांक खरगे साहब का एक ये है। तो हम ये तमाम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट हुआ है, उसी लिए मैं तमाम लोग मीडिया के, हमारे जितने भी मीडिया के लोग आए थे, खासतौर से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन तमाम लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को और यहाँ पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट को ख़त्म किया गया है। पिछले 3 महीने से जो हम लोग मेहनत कर ये टूर्नामेंट को खिला रहे थे, तीन ग्राउंड में मुसलसिल खिला रहे थे, खिलाने के बाद आज 2 टीम फाइनल में आए हैं और 2 टीमों को है ने प्राइस से, एक को विनिंग टीम को 1.5 लाख रुपए और रनर अप टीम को 75 लाख रुपीज़ विथ कप दिया गया है। और बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज भी पैसों से और अवार्ड से नवाजा गया है। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, मैं दिल की गहराइयों से प्रियांक खरगे अभिमानी की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।